सही कदम नहीं है कि लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफ़ी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और इस वरना इसे ज़्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें। और मुझे तो लगता है 21 से भी और ज़्यादा होनी चाहिए, और ज़्यादा मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी चीज़ को बांध दो बिल्कुल ही। आपको भाई हर किसी को हक है, अब वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, चाहे वो 21 में करे चाहे वो 25 में। तो मुझे लगता है कि और थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। बिकॉज पहले क्या होता था, जब 18 में शादी होती थी तो लड़कियाँ स्टडीज़ नहीं कर पाती थी अपनी, और वो इतनी मैच्योर नहीं होती थी कि वो ये घर वर सब ठीक से संभाल सके। अब थोड़ा 21 हो गया है तो उनको इतनी नॉलेज आ जाती है, वो पढ़ पाती हैं। 18 पे लड़कियाँ छोटी हैं, उनके पेरेंट्स भी उनको मतलब कई घरों में यंग लड़कियों की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब मैच्योर कोई लेडी की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। तो उनको ऐसा भी मतलब अगर शादी हो गई दूसरे घर में जाना पड़ेगा, उनको वहाँ पे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी टाइप फील होगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नम्रता शर्मा। भारत में मोदी सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल कर दी है। इसको लेकर मुस्लिम लड़कियां क्या सोचती हैं, उनकी राय जानने के लिए हम बाहर निकले और जाना कि वो मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन करती हैं या नहीं। आप भी देखिए, वो लगता है ये फैसला सही है? बिल्कुल सही है। क्यों सही है? 18 पे लड़कियाँ छोटी हैं, उनके पेरेंट्स भी उनको मतलब कई घरों में यंग लड़कियों की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब मैच्योर कोई लेडी की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। तो उनको ऐसा भी मतलब अगर शादी हो गई दूसरे घर में जाना पड़ेगा, उनको वहाँ पे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी टाइप फील होगी। तो इसलिए आई थिंक अगर 21 हो जाएगा, मतलब एज 21 हो गई है, तो लड़कियाँ काफ़ी स्टेबल हो सकती हैं, प्लस वो अपना करियर प्लान कर सकती हैं। करियर क्या पता बहुत सी लड़कियाँ अचीव भी कर लें अपने जो उनका उन्होंने सोचा हुआ है, कि उनका प्लान जो है, जो वो चाहती हैं, जो प्रोफेशन वो ऑप्ट करना चाहती हैं, वो अगर 21 तक अपने घर में ही रहेंगी तो वो ऑप्ट कर सकती हैं। अगर बाय चांस उनकी शादी हो गई फिर दूसरे घर वाले उसे अलाउ करें ना करें, तो इसलिए आई थिंक सही है। अच्छा, ये जो 3 साल बढ़ाए गए हैं इसको लेकर कुछ लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, कुछ नेता हैं जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि गलत हुआ, अब तो लड़कियाँ और आवारागर्दी करेंगी, क्या कहना चाहेंगे? आवारा गर्दी तो लड़के भी उनका भी होना चाहिए फिर तो, और इनफैक्ट घर उनके घर वाले भी उनको घर पे बांध के रखते हैं 7 बजे के बाहर बाहर नहीं जाना है ये वो। तो लड़के तो रात भर बाहर रहते हैं, तो ऐसे तो उनके ऊपर भी रूल्स लगने ही चाहिए। और वैसे भी मतलब हर लड़की, हर बच्चा, इनफैक्ट हर कोई इंडिविजुअल, उसके बारे में कोई जज नहीं कर सकता कि वो आवारा गर्दी कर रहे हैं या फिर वो मतलब उनका बिहेवियर सही है, तो आई थिंक ऐसे जज तो नहीं करना चाहिए किसी को। रुखसाना, किस तरह से देखती हैं इस फैसले को? मतलब ठीक है मेरे हिसाब से भी कि 21 एज है, मैच्योर भी हो जाते हैं और मतलब सही चीज़ें, सही फैसले, और एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से भी, जैसे गांव वगैरह में होता है ना कि जल्दी शादी हो जाती है तो लड़कियां मैच्योर नहीं होती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बाद में हो जाती हैं, तो 21 एज भी मेरे हिसाब से ठीक है। कुछ महिलाएं जिनसे मेरी भी बात हुई थी वो कह रही हैं कि हर चीज़ की एक उम्र होती है। अभी एक आंटी जी हमारे सामने बैठी हुई थी, कह रही थी हर चीज़ की एक उम्र होती है, 18 साल ठीक है। क्या कहेंगे? वो तो होती है, लेकिन ये कि 21 एजेस मतलब कि ठीक है उस हिसाब से भी, और मैच्योर भी होते हैं मतलब लड़कियां इस टाइम पर। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को लगता है ये ठीक है। बिकॉज पहले क्या होता था, जब 18 में शादी होती थी तो लड़कियाँ स्टडीज़ नहीं कर पाती थी अपनी, और वो इतनी मैच्योर नहीं होती थी कि वो ये घर वर सब ठीक से संभाल सके। अब थोड़ा 21 हो गया है तो उनको इतनी नॉलेज आ जाती है, वो पढ़ पाती हैं, तो इन सब से मेरे को लगता है ये ठीक है। अच्छा, इन सब के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे 18 से 21 हो गया है, यानी 3 साल बढ़ गए हैं, यानी अब लड़कियाँ और ज़्यादा आवारागर्दी करेंगी, ऐसा कहना है कुछ नेताओं का? नहीं, आई डोंट थिंक सो, ये ठीक है। जिन्हें आवारागर्दी करनी होगी वो 18 में भी कर लेंगी, और जिन्हें नहीं करनी होगी वो 21-22 कभी नहीं करेंगी, तो मेरे को लगता है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आयशा टाकिया का नाम सुना है? उनके ससुर जी हैं अबू आजमी, वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा वक्त तक अगर लड़की के साथ उसका पिता भी रूम में रह ले तो उस पर भी शैतान सवार हो सकता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई ऐसा कैसे बोल सकता है किसी के भी बारे में? आप ऐसे थोड़ी किसी को भी जज कर सकते हो। और एज, और मुझे तो लगता है 21 से भी और ज़्यादा होनी चाहिए, और ज़्यादा मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी चीज़ को बांध दो बिल्कुल ही। आपको भाई हर किसी को हक है, अब वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, चाहे वो 21 में करे चाहे वो 25 में। तो मुझे लगता है कि और थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। अच्छा, 21 में शादी का ये जो फैसला लिया गया है, इससे आपको फ़ायदा क्या नज़र आता है? अगर मैं आपसे पूछूं आपके ऊपर ये अप्लाई किया जाए, क्या फ़ायदा नज़र आता है, क्या कर पाओगी इन 3 सालों में?
तीन साल में तो ग्रेजुएशन हो जाता है पूरा का पूरा। अगर आप 18 में तो 12th ही हो पाती है बस, तो आप ग्रेजुएट एटलीस्ट हो सकते हो, आपको इतनी नॉलेज हो सकती है कि आप फ्यूचर प्लानिंग आराम से कर सको अपनी, तो ये फ़ायदा होगा। इसके अलावा फिजिकल तौर पे भी, फिजिकली आप मैच्योर, मेंटली आप मैच्योर हो जाओगे, सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि आप जो 18 साल के होते हैं, जो भी थोड़े छोटे होते हैं, वो मेंटली इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते और इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तो थोड़ा टाइम मिलेगा उनको तो थोड़ा मैच्योर होंगी वो लड़की। अच्छा, मोदी गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है लड़कियों के लिए खास? अच्छा कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी उन्होंने निकाला था अभी, तो वो अच्छा है, उन्होंने काफ़ी स्कूल्स बनवाए लड़कियों के लिए, और ये 18 से 21, तो ये बेटर है, अच्छा काम कर रही है लड़की। कैसा लगता है ये फैसला, सही है गलत? हाँ सही है। क्योंकि मैम हमें टाइम मिल रहा है बहुत हर चीज़ करने का, हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं हम अपना। और वैसे 18 में शादी हो जाती थी तो हम मैच्योर नहीं होते थे, अब तो मैच्योर भी हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि लड़कियों को आवारागर्दी का टाइम मिल गया। नहीं, जो आवारागर्दी जिन्हें करना होगा वो तो 18 पे भी कर लेंगी, 13 में भी कर लेंगी। हाँ, आप इस फैसले के समर्थन? यस मैम। कि एज 21 हो गए, इट्स ऑब्वियसली अ डेवलपमेंट, सोशली डेवलप्ड, क्योंकि पहले लाइक बॉयज़ की 21 थी, गर्ल्स की 18 थी, तो बहुत सारी ऐसी निकाल देते थे, टीनेज मैरिजेस होती रहती थी, तो इट्स बेसिकली चाइल्ड मैरिज ओनली, क्योंकि 18 पे आई डोंट थिंक उतने मच्योर होती है लड़कियाँ। बट 21 होना, कॉलेज भी जाएगी, थोड़ा बाहर क्या कहते हैं कनेक्शन सोशल होएगी, कनेक्शन बनाएगी, तो खुद अंदर भी मैच्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस आती है, जान आती है कि हाउ टू लिव इन अ वर्ल्ड। तो या आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, सोशली इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड, बट करंट सिनेरियो में देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेप बैकवर्ड्स एज वेल, तो वन स्टेप फॉरवर्ड बट 100 बैकवर्ड्स टोटल डजंट मेक सेंस, बट इट इज अ गुड स्टेप टू डू। अच्छा, अब चूंकि कोई भी चीज़ आती है तो उसका विरोध भी कुछ लोग करते ही हैं, समाजवादी पार्टी है, उसके नेता कह रहे हैं कि बहुत गलत स्टेप है ये, और लड़कियों की एज जैसे 21 कर दी गई है कि अब उससे पहले आप शादी नहीं कर सकते हैं, तो ये जो बढ़ाया गया है इसमें लड़कियां और ज़्यादा आवारागर्दी करेंगी। आवारागर्दी वो तो 13 साल में लड़कियों की शादी करवा देते हैं, अब ऐसे थोड़ी ना आवारागर्दी होते हैं। 21 साल सही है, पर अभी भी कुछ इलाकों में ऐसा होता है कि मतलब लेडीज़ की क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, कुछ मायने नहीं रखती है, लोग शादी कर देते हैं और लड़कियाँ भी कुछ बोल नहीं पाती हैं, तो अगर डिसीजन लिया है तो उस पर स्ट्रिक्ट तरीके से मतलब रेगुलेशन लागू भी करना चाहिए ताकि सब पालन करें। मतलब आपको लगता है अगर 21 साल मिनिमम एज हो जाती है लड़कियों की शादी की तो उससे फ़ायदा होगा? कैसे फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि फ़ायदा तो नहीं है कि शादी की एज 21 साल भी कमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियाँ मैच्योर हो जाएंगी शादी के लिए और वो फिज़िकली भी मतलब तैयार रहेंगी शादी के लिए।